हिंदी फिल्मों में जब फैमिलीज की बात आती है तो हमें याद आते हैं कपूर्स, खान्स और बच्चन्स। लेकिन एक और फैमिली है जिसने सिनेमा की तारीख में कई यादगार पन्ने जोड़े हैं, अख्तर्स। आखिरी तक ये वीडियो देखिएगा, हो सकता है आज के बाद आपकी फेवरेट लिस्ट में एक और नाम जुड़ जाए, जानिसार अख्तर। तू इस कदर मुझे अपने करीब लगता है, तुझे अलग से जो सोचूं अजीब लगता है। जरा सी बात पर हर रस्म तोड़ आया था, दिले तबाह ने भी क्या मिजाज पाया था। पता नहीं कि मेरे बाद उन पे क्या गुजरी, मैं चंद ख्वाब जमाने में छोड़ आया था। अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं। ये इल्म का सौदा, ये रसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। जानिसार अख्तर नॉस्टैल्जिया के शायर हैं, उन्हें बहुत कुछ याद आता है और यही यादें जिंदगी भर उनका हाथ पकड़कर उनसे लिखवाती रही। आए क्या क्या याद, नजर जब पड़ती उन दालानों पर, उसका कागज चिपका देना घर के रोशनदानों पर। आज भी जैसे कांधों पर तुम हाथ मेरे रख देती हो, चलते चलते रुक जाता हूं साड़ी की दुकानों पर। जानिसार अख्तर को फिल्मों ने बहुत लंबा इंतजार करवाया, लेकिन जब मौका मिला तो उन्होंने एक से एक गीत लिखे। आप यूं फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज आती रही, आहटों से अंधेरे चमकते रहे, रात आती रही, रात जाती रही। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर करे, दिल हुआ किसका गिरफ्तार, खुदा खैर करे। ख्वाब बनकर कोई आएगा तो नींद आएगी, अब वही आके सुलाएगा तो नींद आएगी। मैं समझता हूँ कि ये गीत लिखते हुए जानिसार अख्तर उस बिरहन की पीड़ा अपने सीने पर सह रहे होंगे, उसका दुख अपने शब्दों में कह रहे होंगे, जो उनके सपनों को परवान चढ़ाने के लिए ग्वालियर में रुक गई। ये बिरहन कौन थी, ये कहानी अगले एपिसोड में। हमने काटी हैं तेरी याद में रातें अक्सर, दिल से गुजरी हैं सितारों की बरातें अक्सर। और तो कौन है जो मुझको तसल्ली देता, हाथ रख देती हैं दिल पर तेरी बातें अक्सर। इश्क रहजन न सही इश्क के हाथों, फिर भी हमने लुटते हुए देखी हैं बरातें अक्सर। हमसे एक बार भी जीता है न जीतेगा कोई, वो तो हम जान के खा लेते हैं मातें अक्सर। जानिसार की शायरी बनावट से मीलों दूर है, और मोहब्बत को सिर्फ दिल और रूह की नज़र से नहीं, जिस्म की नज़र से भी देखती है। यही उनका नयापन है। उस दौर में जब शायरी और मोहब्बत दोनों को जिस्म की बात करते ही खारिज कर दिया जाता था, जानिसार ने अपनी अदबी हैसियत बचाने के लिए झूठे तासुरात में उलझना मंजूर नहीं किया। उन्होंने वो लिखा जो उनको सच लगा। जिस्म की हर बात है आवारगी, ये मत कहो। जिस्म की हर बात है आवारगी, ये मत कहो। हम भी कर सकते हैं ऐसी शायरी, ये मत कहो। उस नजर की, उस बदन की गुनगुनाहट तो सुनो, एक सी होती है हर एक रागनी, ये मत कहो। जानिसार अख्तर की जिंदगी, उनकी शायरी और उनके फिल्मी गीतों पर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा और मुझे जी भर के मोहब्बतें भेजी। अगर आपने वो एपिसोड अब तक नहीं देखा है तो मैंने लिंक नीचे दिया है, ये एपिसोड यहीं पॉज करें, पहले वो एपिसोड देखें फिर यहां वापस आएं। खैर, जो आपने मोहब्बतें भेजी उनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं समझता हूं कभी कभी मोहब्बत की सबसे बड़ी शर्त होती है हंसते हंसते बिछड़ जाना। ये शर्त जानिसार अख्तर की बीवी सफिया ने सर झुकाकर कबूल की और अपनी आखिरी सांस तक इस जुदाई का कोई शिकवा भी नहीं किया। सफिया जानती थी कि अगर उन्होंने जानिसार के साथ बंबई जाने की जिद की तो उन्हें मदरसे की अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, और अगर वो नौकरी छूट गई तो जानिसार का बंबई में स्ट्रगल करना नामुमकिन हो जाएगा। वो ग्वालियर में रुक गईं, मदरसे में पढ़ाती रहीं और जो कुछ कमाती वो बंबई में स्ट्रगल कर रहे अपने शौहर को भेजती रहीं, ताकि जानिसार को किसी रात भूखा ना सोना पड़े।
जानिसार के सपनों के लिए सफिया ने उनकी जुदाई भी बर्दाश्त कर ली। इस जुदाई का एक ही सहारा था, खत। इश्क में डूबे हुए, मोहब्बत से महकते हुए, दिल की तरह धड़कते हुए खत। जानिसार को लिखा हुआ सफिया का एक खत मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अख्तर मेरे, पिछले हफ्ते तुम्हारे 3 खत मिले और शनिवार को मनी ऑर्डर भी वसूल हुआ। ये उन दिनों की बात है जब जानिसार अख्तर फिल्मों के लिए गीत लिखने लगे थे और थोड़ी बहुत आमदनी उन्हें होने लगी थी। तुमने तो पूरी तनख्वाह ही मुझे भेज दी, तुम्हें शायद तंगी में बसर करने में मजा आने लगा है। ये तो कोई बात ना हुई दोस्त। दोस्त सफिया अपने शौहर को दोस्त कह रही है। घर से दूर रहकर वैसे ही कौन सी आसाइश तुम्हारे हिस्से की रह जाती है जो मेहनत करके जेब भी खाली रहे। खैर, मेरे पास वो पैसे भी जो तुमने बंबई से रवानगी के वक्त दिए थे जमा हैं, और ये भी, अब मैं तुमसे अलग रहकर पैसे की हिफाजत करना सीख गई हूं। अच्छा अख्तर, अब कब तुम्हारी मुस्कराहट की दमक मेरे चेहरे पर आ सकेगी? तुम्हारी एक निगाह मेरी जिंदगी में उजाला कर देती है। सोचो तो कितनी तारीख और बदहाल थी मेरी जिंदगी जब तुमने उसे संभाला। कितनी बंजर और कैसी बेमानी तल्ख थी मेरी जिंदगी जब तुम मेरी दुनिया में दाखिल हुए, और मुझे उन गुजरे हुए दिनों पर गम होता है जो हम दोनों ने अलीगढ़ में एक दूसरे की शिरकत से महरूम रहकर गुजार दिए, अलग रहकर गुजार दिए। अख्तर, मुझे आइंदा की बातें मालूम हो सकती तो सच जानो मैं तुम्हें उसी जमाने में बहुत चाहती। कोई कशिश तो शुरू से ही तुम्हारी जानिब खींचती थी और कोई घुलावट खुद ब खुद मेरे दिल में पैदा थी, मगर बताने वाला कौन था कि ये सब क्यों। आओ, मैं तुम्हारे सीने पर सर रखकर दुनिया को मगरूर नजरों से देख सकूंगी। तुम्हारी अपनी सफिया। जानिसार के सीने पर सर रखकर मगरूर होने की मोहलत जिंदगी ने उन्हें दी ही नहीं। वो अपनी आंखों से कभी जानिसार को कामयाब होता हुआ भी नहीं देख पाई। जानिसार कामयाब हुए, मशहूर हुए तो लौटकर सफिया के मज़ार पर आए उनसे बात करने, उनका हाल पूछने। और मनो मिट्टी के तले कब्र में दफन सफिया ने उस दिन जानिसार से जो कुछ भी कहा वो उन्होंने लफ्ज़ दर लफ्ज़ अपनी नज़्म में लिख दिया। कितने दिन में आए हो साथी मेरे सोते भाग जगाने, ये सफिया कह रही हैं अपनी कब्र से जानिसार से। कितने दिन में आए हो साथी मेरे सोते भाग जगाने, मुझसे अलग इस एक बरस में क्या क्या बीती तुम पे न जाने। सफिया को फिक्र जानिसार की है कि मुझसे दूर तुम कैसे रहे होगे, तुम्हारा हाल किसने पूछा होगा। मुझसे अलग इस एक बरस में क्या क्या बीती तुम पे न जाने। देखो कितने थक से गए हो, कितनी थकन आंखों में घुली है। आओ तुम्हारे वास्ते साथी, अब भी मेरी आगोश खुली है। चुप हो क्यों, क्या सोच रहे हो, आओ सब कुछ आज भुला दो। आओ अपने प्यारे साथी, फिर से मुझे एक बार जला दो। सफिया मर चुकी हैं, वो उम्मीद कर रही हैं कि जानिसार अख्तर की मोहब्बत में डूबे हुए दो लफ्ज़ उनको फिर से जिंदा कर देंगे। बोलो साथी, कुछ तो बोलो, कब तक आखिर आह भरूंगी। तुमने मुझ पर नाज किए हैं, आज मैं तुमसे नाज करूंगी। आओ मैं तुमसे रूठ सी जाऊं, आओ मुझे तुम हंस के मना लो। मुझ में सचमुच जान नहीं है, आओ मुझे हाथों में उठा लो। तुमको मेरा गम है साथी, कैसे अब इस गम को भुलाऊं। अपना खोया जीवन बोलो, आज कहां से ढूंढ के लाऊं। ये न समझना मेरे साजन, दे न सकी मैं साथ तुम्हारा। ये न समझना मेरे दिल को, आज तुम्हारा दुख है गवारा। ये न समझना मैंने तुमसे जान के यूं मुंह मोड़ लिया है। ये न समझना मैंने तुमसे दिल का नाता तोड़ लिया है। ये न समझना तुमसे मैंने आज किया है कोई बहाना। दुनिया मुझसे रूठ चुकी है साथी, तुम भी रूठ न जाना। आज भी साजन मैं हूं तुम्हारी, आज भी तुम हो मेरे अपने। आज भी इन आंखों में बसे हैं प्यार के अनमिट गहरे सपने। दिल की धड़कन डूब भी जाए, दिल की सदाएं थक न सकेंगी। मिट भी जाऊं फिर भी तुमसे मेरी वफाएं थक न सकेंगी। ये तो पूछो मुझसे छुटकर दिल पे तुम्हारे क्या क्या गुजरी। तुम बिन मेरी नाव तो साजन ऐसी डूबी फिर ना उभरी। एक तुम्हारा प्यार बचा है वरना सब कुछ लुट सा गया है। एक मुसलसल रात के जिसमें आज मेरा दम घुट सा गया है।
आज तुम्हारा रास्ता तकते मैंने पूरा साल बिताया, कितने तूफानों की जद पर मैंने अपना दीप जलाया, तुम बिन सारे मौसम बीते, आए झोंके सर्द हवा के, नर्म गुलाबी जाड़े गुजरे मेरे दिल में आग लगा के, सावन आया धूम मचाता, घिर घिर काले बादल छाए, मेरे दिल पर जम से गए हैं जाने कितने गहरे साए, चांद से जब भी बादल गुजरा, दिल से गुजरा अक्स तुम्हारा, फूल जो छटके मैंने जाना, तुमने शायद मुझको पुकारा, आई बहारें मुझको मनाने, तुम बिन मैं तो मुंह ना बोली, लाख फजा में गीत से गूंजे लेकिन मैंने आँख न खोली, कितनी निखरी सुबहें गुजरी, कितनी महकी शामें छाई, मेरे दिल को दूर से तकने जाने कितनी यादें आईं, इतनी मुद्दत बाद ओ प्रीतम आज कली हृदय की खिली है, कितनी रातें जाग के साजन आज मुझे ये रात मिली है, बोलो साथी कुछ तो बोलो, कुछ तो दिल की बात बताओ, आज भी मुझसे दूर रहोगे, आओ मेरे नज़दीक तो आओ, आओ मैं तुमको बहला लूँगी, बैठ तो जाओ मेरे सहारे, आज तुम्हें क्यों गम है बोलो, आज तो मैं हूँ पास तुम्हारे, अच्छा मेरा गम न भुलाओ, मेरा गम हर गम में समो लो, इससे अच्छी बात न होगी, ये तो तुम्हें मंजूर है बोलो, मेरे गम को मेरे शायर अपने जवां गीतों में रचा लो, मेरे गम को मेरे शायर सारे जग की आग बना लो, मेरे गम की आँच से साथी चौंक उठेगा अज़्म तुम्हारा, बात तो जब है लाखों दिलों को छू ले अपने प्यार का धारा, मैं जो तुम्हारे साथ नहीं हूँ दिल को मत मायूस करो, तुम हो तन्हा तुम हो अकेले ऐसा क्यों महसूस करो, तुम आज हमारे लाखों साथी साथी हिम्मत हार न जाओ, आज करोड़ों हाथ बढ़ेंगे एक ज़रा तुम हाथ बढ़ाओ, अच्छा अब तो हंस दो साथी वरना देखो रोसी पड़ूंगी, बोलो साथी कुछ तो बोलो आज मैं सचमुच तुमसे लड़ूंगी, जाग उठी लो दुनिया मेरी आई हंसी वो लब पे तुम्हारे, देखो देखो मेरी जानिब दौड़ पड़े हैं चांद सितारे, झिलमिल झिलमिल किरणें आईं मुझको चंदन हार पहनाने, जगमग जगमग तारे आए फिर से मेरी मांग सजाने, आई हवाएं झांझ बजाती गीतों मोरा अंगना जागा, मोरे माथे झूमर दमका मोरे हाथों कंगना जागा, जाग उठा है सारा आलम जाग उठी है रात मिलन की, आओ जमी की गोद में साजन सेज सजी है आज दुल्हन की, आओ जाती रात है साथी प्यार तुम्हारा दिल में भर लूं, आओ तुम्हारी गोद में साजन थक कर आँखें बंसी कर लूं, उठो साथी दूर उफक का नर्म किनारा कांप उठा है, मेरे दिल की धड़कन बनकर सुबह का तारा कांप उठा है, दिल की धड़कन डूब के रह जा जागी नब्जों थमसी जाओ, फिर से मेरी बेनम आँखों पत्थर बनकर जमसी जाओ, मेरे गम का गम न करो तुम अच्छा अब से गम न करूँगी, मेरे इरादों वाले साथी जाओ मैं हिम्मत कम न करूँगी, तुमको हंसकर रुखसत कर दूँ सब कुछ मैंने हंस के सहा है, तुम बिन कुछ मुझ में न रहेगा यूं भी अब क्या खाक रहा है, देखो कितने काम पड़े हैं अच्छा अब मत देर करो तुम, कैसे जमकर रह से गए हो इतना मत अंधेर करो तुम, बोलो तुमको कैसे रोकूं, दुनिया 100 इल्ज़ाम धरेगी ऐसे पागल प्यार को साथी सारी खिलकत नाम धरेगी, आओ मैं उलझे बाल संवारूं मुझसे कोई काम तो ले लो, फिर से गले एक बार लगा के प्यार से मेरा नाम तो ले लो, अच्छा साथी जाओ सिधारो अब के इतने दिन न लगाना प्यासी आंखें राह तकेंगी, लेकिन ठहरो ठहरो साथी दिल को ज़रा तैयार तो कर लूँ, आओ मेरे परदेसी साजन आओ मैं तुमको प्यार तो कर लूँ, सफिया का मज़ार आज भी लखनऊ में है और आज भी उनकी कब्र के पत्थर उस मोहब्बत की गवाही दे रहे हैं जो उन्होंने एक शायर से की, और आज भी वो शायर एक फूल बनकर सफिया के कब्र पर चढ़ा हुआ है, ये अलग बात है कि वो फूल अब नज़र नहीं आता, ढल चुका दिन और तेरी कब्र पर देर से बैठा हुआ हूँ सरनिगूं, मुस्तकिल महसूस होता है मुझे जैसे तेरे साथ मैं भी दफन हूँ, कुछ
चांद चमकते गालों के, कुछ भंवरे काले बालों के, कुछ नाजुक शिकने आंचल की, कुछ नर्म लकीरें काजल की, एक खोई कड़ी अफसानों की, दो आंखें रोशन दानों की, एक सुर्ख दुलाई गोट लगी, क्या जाने कब की चोट लगी, एक छल्ला फीकी रंगत का, एक लॉकेट दिल की सूरत का, रुमाल कई रेशम से कढ़े, वो खत जो कभी मैंने न पढ़े, मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए। हैरानी होती है कि साहित्य को बड़ा ठहराने के लिए फिल्मी गीतों को छोटा बताना जरूरी क्यों है। जिसमें जवान होकर बदनाम हम हुए, उस शहर उस गली उस घर को सलाम, जिसने हमें मिलाया जिसने हमें जुदा किया, उस वक्त उस घड़ी उस पहर को सलाम। इतना नयापन और इतनी गहराई जिस गीत में हो, उसे आप बड़ा लिटरेचर मानने से कैसे इनकार कर सकते हैं। जब भी मुझे मौका मिला, मैं जा पहुंचूंगा किसी विशाल मिश्रा, किसी अमाल मलिक, किसी तनिष्क बागची, किसी रोचक कोहली के पास और कहूंगा, यार तुम गिटार उठाओ मैं कलम, आज दोनों जम के रोते हैं और बनाते हैं कोई ऐसा गीत जिसे सुनने वाले भी रो पड़े। क्या क्या बातें करती थी बाहों में खोके, तुम जो बिछड़े मर जाऊंगी मैं रो रो के, औरों से तुम दोहराती हो जब ये बातें, याद आती हैं क्या मेरे संग गुजरी रातें। कुंती ने कर्ण की यश गाथा सुन रखी थी, उन्होंने कर्ण से मां होने का ऋण मांग लिया, कह दिया कि वो दुर्योधन को छोड़कर अपनी मां और भाइयों के पास वापस लौट आए। रश्मिरथी पांचवें सर्ग के इस दूसरे भाग में आप कर्ण का उत्तर सुनेंगे और ये भी जानेंगे कि कर्ण ने कुंती को कौन सा वचन देकर वापस भेजा, एक ऐसा वचन जो कर्ण जैसा युग पुरुष ही दे सकता था।